স্যার আপনার কি নাম হলো? আমার নাম কান্তি বাউরি। আপনি কোন ওয়ার্ডের ক্যান্ডিডেট? আমি 104 নম্বর ওয়ার্ডের ক্যান্ডিডেট। আপনার ছাপ কি আছে? আমার ছাপে জোড়া পাতা। আপ বাটন নম্বর? নির্দল পার্টি। বাটন নম্বর? বাটন নম্বর 6। আমি চাচ্ছি আপনি যে আপনার যে ভোটার আছে তাকে একটা মেসেজ দিয়ে দেন। আপনি কি বলতে চান? আমি যদি জয়ী হই আমার ফার্স্ট কারেন্সি জমির পাট্টা, এটা অনেক গরিব মানুষ এখনো পর্যন্ত ঘর হয়নি। জমির পাট্টা सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। हम लोग देखते हैं कि आप रिनॉन्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं और फिर अचानक हम लोग देख रहे हैं कि आप इलेक्शन का मन जान रहे हैं। आपने इलेक्शन लड़ने का मन क्यों बनाया? वो तो ठीक है, आपका मुद्दा समझ में आएगा। पेलेशन क्यों लड़ रहे हैं आप? जब प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है। और ऐसा भी देखा गया कि बहुत सारा जगह में जो कि कुछ मुझे तो गारंटी है, ऐसे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ गाँव हम लोग घूमे, जैसे मलागाला में घूमे, इन लोगों को आज तक भी सरकार का जो निजी भूमि निजी गृह मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यहाँ तक कि सबसे बड़ा बात है जो धस हुआ, सबसाइड हुआ और एडीडीए ने सबका घर का एक कार्ड बनाया। हम लोगों ने जान सुना है कि 300 करोड़ रुपया एडीडीए को दिया गया है, लेकिन आज तक इन लोगों को रिहैबिलिटेशन नहीं मिला। अच्छा, दूसरे बात है, सरकार ने निजो भूमि निजो गृह जो बना रहा है, यहाँ का लोगों को मैक्सिमम जो कांति जी बोला है कि उन लोग का जमीन का पेपर्स नहीं मिलने का कारण क्या हो रहा ना, उसको घर नहीं मिल रहा। काउंसिलर जो भी हो चाहे नेता हो, वो लोग एक बहाना मार दे रहा, लेकिन इसका तो विकल्प उपाय है। आज अगर हम कोई अगर सीएल का खास जमीन में बैठा हुआ है, कोई अगर कोई सरकारी खास जमीन में, तो खास जमीन में तो आज सरकार बोल रहा है कि पट्टा देने का व्यवस्था किया, क्यों नहीं लोगों को पट्टा मिला? क्यों नहीं सीएल से नो ऑब्जेक्शन लेके उन लोग का घर बनाया गया? क्यों? आज सबसे बड़ा बात है जो आज यहाँ का लड़का लड़की लोग है जिलों को, उन लोग के लिए कोई अभी तक जो कोई सेल्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग का व्यवस्था होना चाहिए, चाहे लड़की लोग हो चाहे कोई भी कम्युनिटी को, उन लोग का क्यों नहीं व्यवस्था? आप जब घूम रहे तो इलाके में कुछ भी काम आपको दिखाई नहीं दे रहा? एकदम नहीं दिखाई दे रहा। आज इसके 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 अलावा और क्या प्रॉब्लम है आपको इलाके में दिखाई दे रहा? इसके अलावा बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई दिया है। जैसे आज मान लीजिए यहाँ का जो सबसे बड़ा समस्या ये है जो बेरोजगारी है, ये रोजगार को कैसे विकल्प में उन लोगों को चांस दिया जाए सही आदमी को? सबसे बड़ा बात यहाँ पर है, आज किसी का डेथ होता है, किसी का एससी सर्टिफिकेट का होता है, तो आज डेथ सर्टिफिकेट में आज क्या है ना, डॉक्टर को 500 रुपया देना होगा, जो पार्टी का नेता है उसका काउंसिलर है उसका एजेंट को 1000 रुपया देना होगा, तब उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। हम लोग ऐसा ठीक किया नागरिक समन्वय कमेटी से कि काउंसिलर का ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, काउंसिलर खुद घर जाके उसका सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे बनाया जाए, ये व्यवस्था हम लोग सबसे पहले करेंगे, ये व्यवस्था करेंगे। आज देखिए विधवा भत्ता, वार्धक्य भत्ता, चाहे लक्ष्मी भंडार, जो भी बोलिए, आज बहुत सारा लोग फिलअप किया, क्यों नहीं मिला वो लोग आज तक? आज कोई पार्टी का नेता हम देखा है जो अभी रूलिंग पार्टी का जो प्रार्थी बना 104 में, वो बोल रहा है लक्ष्मी भंडार का फॉर्म फिलअप करेंगे। इतना दिन कहाँ था?
जब द्वार का सरकार में आया क्यों लक्ष्मी भंडार में ध्यान नहीं दिया, क्यों उन लोग का पैसा नहीं घुसा। और आप लोग जानते हैं अभी आचार संहिता लागू है, अभी कहीं लक्ष्मी भंडार का फॉर्म फिलअप करने से किसी को पैसा मिलेगा? ये जो भावताबाजी देके वोट लेने का चक्रांत कर रहा, धमकी देके जो वोट लेने का चक्रांत कर रहा, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आप लोग जब घूम रहे तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा पब्लिक? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा, एवं 100% हम लोग कांति जीत रहा, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंस कैंडिडेट होने के बावजूद भी आप कड़ी चुनौती दे रहे, टक्कर दे रहे हैं। आपका एक तरफ बीजेपी है, दूसरा तरफ टीएमसी है, आपको मुकाबला किससे? हमको मुकाबला है, हम लोग देख रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी का जो अभी प्रार्थी वाला वो पैसा का खेल खेल रहा है, लेकिन जो पब्लिक है, जनगण है, वो हम लोग का कैंडिडेट को समर्थन कर रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। और बाखूबी समर्थन कर रहा कि हाँ, झंडा का परिवर्तन नहीं चाह रहे हम लोग असत चरित्र का आदमी का परिचय चाह रहे, कैरेक्टर के खिलाफ आप लोगों की लड़ाई है। हाँ, कैरेक्टर। अच्छा चलो, आप जीत रहे हो एकदम 100%। हम लोग का प्रार्थी जो कांति बावरी है 104 में जीत रहा, और जीत के लिए हम लोग जितना नागरिक परिसेवा देना पड़ेगा हम लोग देंगे। आप जीतते हो तो वार्ड में तीन काम क्या कीजिएगा? पहला काम है जो हम लोग का धस जो इलाका में और जमीन का पट्टा, इसका लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। और यहाँ पर जो सेल्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए बेकार लड़का लोग को जैसे कुछ सीखने मिले और बेरोजगार इनसे रोजगारी मिले, उसका काम हम लोग पहले करेंगे। शिक्षा का जो घर घर तक पहुँचाने का जो काम है, बहुत सारे गरीब आदमी है, लड़का लोग है, पैसा का बदल पढ़ नहीं पाता। हालांकि इलेक्शन समय में बहुत सारा लोग पैसा देकर वोट खरीदता, क्यों उन्हें पैसा को डेवलपमेंट में काम करता तो हम लोग का खड़ा होने का जरूरत नहीं पड़ता। और हम इस सरकार का पक्ष में है, हम लोग इसीलिए बोलता कि हम लोग भले निर्दल है, लेकिन हम लोग तृणमूल समर्थित निर्दल पार्टी बोल के हम लोग खड़ा। मैंने अगर आप लोग जीतेंगे तो बाद में तृणमूल ज्वाइन कर लीजिएगा एकदम। ये तो कोई ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम लोग का आदमी से खिलाफ है, जो आदमी परिवार तरह से चला नहीं। चले फेसबुक तो होता है लोकल बॉडी इलेक्शन में। चलिए, आप प्रचार प्रसार में बिजी थे, आपके शेड्यूल बिजी थे, उसके बाद भी आपने चैनल से बात की, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।